सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशनल टेक ट्रिक्स चैनल को और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल टेक ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट अक्षय चौधरी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट 2 है और इसी तरह हम आपके लिए आगे भी चैप्टर वाइज वीडियोज लेकर आते रहेंगे। लेकिन अगर आपने हमारी पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या वीडियो के एंड में भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। तो दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के पार्ट 2 को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ए है वॉइस रिकॉग्नाइजर डिवाइस, बी है ओसीआर, सी है ऑप्टिकल स्कैनर, डी है सीओएम यानी कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सीओएम कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन द मोस्ट ऑफ द आईबीएम पीसीज द सीपीयू द डिवाइस ड्राइव मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड इन अ सिंगल बोर्ड। ए है मदरबोर्ड, बी डॉटरबोर्ड, सी ब्रेडबोर्ड, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है इसका यानी ऑप्शन ए मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फ्रॉम। डायरेक्ट एक्सेस के लिए, बी सिक्वेंडरी एक्सेस के लिए, सी बोथ अबव के लिए, डी नन ऑफ अबव के लिए। जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ ऑफ अबव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग अ वीडियो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी वीडियो से संबंधित इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए है इट इज आउटपुट डिवाइस, ये क्या आउटपुट डिवाइस है। बी इट इज इनपुट डिवाइस, क्या ये इनपुट डिवाइस है। सी है इट इज ए प्रीफैबिकेटेड डिवाइस और डी है इट इज अ हार्डवेयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इट इज ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अ मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज बीन फ्रॉम। ए डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बी इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ अ डाटा, सी इलेक्ट्रिक डाटा प्रोसेसिंग, डी परफॉर्मिंग रिपीटिंग टास्क एक्यूरेटली। तो करेक्ट ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में से है ऑप्शन बी इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ अ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। ए है लेजर प्रिंटर, बी है इंजेक्ट प्रिंटर, सी है प्लॉटर, डी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जब बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स की बात आती है तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है यानी प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप प्राइमरली, यानी डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले किस कंट्री में बना। ए यूएसएसआर यानी रशिया में, बी जापान में, सी यूएसए यानी अमेरिका में, डी यूके यानी इंग्लैंड में। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी यूएसए यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, ए है इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन, बी है इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी है बोथ अबो, डी है नन ऑफ अबो। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस इटसेल्फ, बी है टू कंपेयर नंबर्स, सी है टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी टू कंपेयर नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड। ए है कैरेक्टर कोड, बी बाइनरी कोड, सी है बाइनरी वर्ड, डी है पार्टी बिट। जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी बाइनरी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। ए काउंटर, बी एडर, सी रजिस्टर, डी नन ऑफ अबो। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप, यानी इनमें से कौन सा चिप बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन है ए बस, बी कंट्रोल यूनिट, सी सेमीकंडक्टर्स, डी ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलप, यानी इनमें से कौन सी जनरेशन अब पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। ए है फोर्थ जनरेशन, बी फिफ्थ जनरेशन, सी सिक्स जनरेशन, डी सेवन जनरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी फिफ्थ जनरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। ए है आउटपुट स्कैनर, बी माउस एंड डिटीजर, सी है लाइट पैन, डी है ऑल ऑफ द वो। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी ऑल ऑफ द वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइन द स्टेटस ऑफ अ रिसोर्स एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज कॉल्ड। ए है प्रोसेसेस कंट्रोल, बी ALU, सी रजिस्टर यूनिट, डी प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी रजिस्टर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीडी इज, यानी बीसीडी की फुल फॉर्म क्या है। ए बाइनरी कोडेड डेसिमल, बी बिट कोडेड डेसिमल, सी बाइनरी कोडेड डिजिट, डी बिट कोडेड डिजिट। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड, यानी किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड हुआ था। ए फर्स्ट जनरेशन में, बी सेकंड जनरेशन में, सी थर्ड जनरेशन में, या डी फोर्थ जनरेशन में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ए मेमोरी यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, डी ऑल ऑफ द वो। यानी कंप्यूटर किसका मेल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, ए एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, बी एन इंटीग्रेटिंग डिवाइस है, सी मच ए कंसोलिडेटर देन अ सिंगल ट्रांजिस्टर, बी फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप्स। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ए मैग्नेटिक ड्रम, बी हार्ड डिस्क, सी फ्लॉपी डिस्क, या डी ऑल ऑफ द वो। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए मैग्नेटिक ड्रम। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।